नमस्कार। नेपाल और कतार की दोस्ती पक्की हुई है और आपको पता होना चाहिए कतार जो है वो नाटो का सहयोगी देश है, इसलिए देखते हैं अमेरिका, चाइना और भारत नेपाल कतार की दोस्ती को किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि कतार जो है वो नाटो का सहयोगी देश है, यानी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का सहयोगी देश है। वो अब तक बहुत सारे शेख नेपाल आए होंगे घूमने के लिए, लेकिन ये जो तमीम बिन हमाद अल थानी है ये बहुत पावरफुल आदमी है। यूरोपीय यूनियन भी इनकी बात मानती है और अमेरिका भी इनकी बात मानता है। आप इतना ही जान लीजिए कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना इन्होंने हटाई, तालिबान के साथ में वार्ता इन्होंने करवाई, यानी ये बहुत ताकतवर आदमी है। और जब ये नेपाल आए, नेपाल के साथ इन्होंने 5 समझौते किए, तो कहीं ना कहीं भारत चाइना सबकी नजर से जरूर देखेंगे, या अमेरिका भी जरूर देखेगा। तो क्या देखेगा यही हम बात करेंगे। जो 5 समझौते 6 समझौते हुए हैं उनकी बात बाद में करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि कतार जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन नाटो सहयोगी देश है। उसने अपने देश में 2 अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाए हैं। एक बेस का नाम है सैलिया आर्मी बेस, दूसरा है अधीत वायुसेना बेस। ये अमेरिकी बेस है कतार के अंदर जो अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं, और इन सैन्य अड्डों का उपयोग अमेरिका सीरिया में बमबारी के लिए करता है और फ्यूचर में ईरान के साथ युद्ध के लिए कर सकता है। मिडिल ईस्ट में कहीं भी वार होगी तो अमेरिका इन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेगा। कतर नाटो का सहयोगी देश है। कतर ने $11 बिलियन के हथियार खरीदे कुछ साल पहले अमेरिका से। अब आप खुद ही सोच लीजिए, $11 बिलियन, और यूरोपीय यूनियन से भी खरीदता है, जबकि कतर क्या मात्र 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक, यानी बहुत छोटी जगह है, लेकिन जीडीपी $303 बिलियन, काफी मजबूत देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय ही $84,000 सालाना। भारत नेपाल की कितनी है? वही 2,000 2,500, ठीक है, ये इतना आगे है कतर प्रति व्यक्ति आय में। तो कह सकते हैं एक पावरफुल आदमी नेपाल आया था। तो चाइना और भारत इसे किस एंगल से देखते हैं? देखिए, कतर अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। बहुत मिडिल ईस्ट में इजराइल और कतर ही अमेरिका को सबसे ज्यादा समर्थन देते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि नेपाल को अपनी तरफ करने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा रखी है, भारत ने भी लगा रखी है और अमेरिका ने भी लगा रखी है। और जब कतर नेपाल की दोस्ती होगी तो नेपाल किस साइड जाएगा? तो दोस्तों, नेपाल कहीं ना कहीं अमेरिका की साइड जाएगा, क्योंकि कतार में 4 लाख नेपाली काम करते हैं और कतार जो है वो अमेरिका की बातें मानता है। अगर वो अमेरिका की बातें नहीं मानेगा कतार या सऊदी, तो अमेरिका वहां पे लोकतंत्र की जंग चालू कर देगा। दिमाग में रख लीजिए, जो भी देश अमेरिका की बात नहीं मानता है, अमेरिका वहां से राजशाही हटा के और लोकतंत्र की गृहयुद्ध पैदा करवा देता है उस देश में। आप इतना ही जान लीजिए कि कतर जो तेल बेचता है उसका 30-40% अमेरिका को जाता है, और जो 10-20% का फिर अमेरिका को से हथियार भी खरीदना पड़ता है, उसको अमेरिकी सेनाओं पे पैसा भी खर्चा करना पड़ता है कतार को, समझ रहे हैं? यानी कतार बहुत कुछ देता है अमेरिका को। भीतरी तौर पर कतार अमेरिका को पसंद नहीं करता है, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए, वहां के जो शासक हैं अपने देश को बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए वो अमेरिका से दोस्ती रखते हैं। और कतार जो है नाटो का बहुत बड़ा सहयोगी देश है, यानी कहीं ना कहीं वो चीन और रूस का विरोधी जरूर है, भले ही सामने पे ना हो लेकिन पीठ पीछे वो चीन का और रूस का विरोधी देश ही है। रही भारत की बात, तो भारत के साथ कतर वही करता है जैसा अमेरिका कहता है। अभी पिछले दिन आपने सुना होगा कि 8 भारतीयों को पकड़ लिया, जो वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे सबमरीन की, पनडुब्बी की, ये बोलकर। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको माफ कर दिया। लेकिन भारत के साथ भी कतार के संबंध ठीक ठाक हैं, ठीक। अब कतार जो है दुनिया को दिखाने के लिए कभी कभी इजराइल विरोध कर देता है थोड़ा मोड़ा, जैसे अभी उसने कहा कि हम अपना आर्मी बेस नहीं देंगे इजराइल को ईरान पे अटैक करने के लिए, ठीक, अभी कहा, लेकिन इजराइल किसी की बात नहीं मानता है।
आपको पता होना चाहिए कि इजराइल भी अमेरिका की बात मानता है, लेकिन इजराइल की अपेक्षा कतार ज्यादा गुलाम है अमेरिका का। आप सीधा ये समझ लीजिए, इजराइल भी अमेरिका का गुलाम है, लेकिन अभी नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच में टेंशन चल रहा है चुनाव को लेके। बाइडन चाहते हैं नेतन्याहू को हटाने के लिए, और नेतन्याहू कहता है कि हम हटेंगे तो अपनी जनता के बोलने पर हटेंगे, वोटिंग से हटेंगे, यानी जब वोट होगा तब। लेकिन कतार का साफ क्लियर है, जो अमेरिका कहेगा वही करेगा। तो कतार कहीं ना कहीं चीन और रूस के विरोधी खेमे में खड़ा है। देखिए, नेपाल कतार की दोस्ती से अमेरिका पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ मित्रता बढ़ाता है तो चीन को प्रॉब्लम होगी, रूस को भी प्रॉब्लम होगी, और भारत को इससे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका भले ही दोस्त ना हो लेकिन दुश्मन भी नहीं है। जैसे चीन और अमेरिका आजकल दुश्मन है, पहले दुश्मन नहीं थे। चीन और अमेरिका जब से चाइना बना है कम्युनिस्ट पार्टी में, तब से चीन और अमेरिका सच्चे मित्र रहे, ठीक है। और चाइना में जो कुछ भी आपको विकास दिखाई देता है वो सब अमेरिका ने किया, यानी अमेरिकी पैसों के बल पे चाइना के पास इतना पैसा आया है। तो जैसे चीन अमेरिका दुश्मन, अमेरिका रूस दुश्मन, वैसे भारत और अमेरिका दुश्मन नहीं है और दोस्त भी नहीं है। भारत अपना तीसरा खेमा खड़ा करना चाहता है। एक तरफ अमेरिका अपना खेमा खड़ा कर रखा है, दूसरी तरफ चाइना कर रहा है, तीसरी तरफ भारत भी अपना अलग से खेमा बनाना चाहता है। तो कतार जो है वो भारत का ना तो विरोध में जाएगा ना सपोर्ट में जाएगा, लेकिन चीन अमेरिकी टकराव में कतार जो है वो चीन के विरोध में जाएगा, रूस के विरोध में जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि चीन रूस के विरोधी देशों से नेपाल की मित्रता चीन को कैसा लगेगा? अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। रूस को कैसा लगेगा? अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कतार अमेरिका का सहयोगी देश है और इनडायरेक्टली वो नाटो को भी सहयोग करता है, और अभी ठीक ठाक समझौते हुए हैं इनके। एक बार राष्ट्रीय समाचार समिति यानी नेपाल में जो समाचार, नेपाल के समाचार और वहां के कतार के समाचार आदान प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय समाचार समिति नेपाल और कतार की रा सा ऐसे ही कुछ है, ये दो न्यूज एजेंसियां हैं, इनके बीच में समाचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। दूसरा हुआ, कतार में नेपाली जो लोग काम करते हैं उनके हकों की बात होगी, यानी श्रम के संबंध में समझौता हुआ। तीसरा, पर्यटन के संबंध में, कतार के पर्यटन नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के कतार जा सकते हैं, इस पर भी समझौते होंगे। और एक समझौता ये हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कतार नेपाल की मदद करेगा, ठीक। और एक, युवाओं पर फोकस रहेगा खेल कूद के मामले में। तो यानी कतार की जो खेल एजेंसियां होंगी उनकी और नेपाल की जो खेल एजेंसियां होंगी उनके बीच भी अच्छे संबंध होंगे, आपस में खेल आदि खेलेंगे। अब सामने पे तो यही समझौते दिखाई दे रहे जो कि कुछ बड़े समझौते नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है, यानी ठीक ठाक समझौते कह सकते हैं लेकिन बड़े समझौते नहीं कह सकते हैं। समझौते ठीक है लेकिन बड़े नहीं है, और नेपाल की तरफ से हाथी भी उपहार स्वरूप दिए गए हैं। दोस्तों, राजा जब कभी उपहार दिया है पहले गैंडा हाथी किसी देश को, तो नेपाली नेताओं ने कहा कि ये तस्करी की है राजा ने, और अब स्वयं दे रहे हैं तो क्या वो तस्करी नहीं है? सोचिए आप, जब नेपाली किंग ने किसी देश को नेपाल के गैंडा आदि दिए हों, हाथी दिए हों, तो ये लोग इल्जाम लगाते थे कि राजा तस्करी कर रहा है। अब ये खुद दे रहे हैं तो क्या ये तस्करी नहीं है? सोचिए। चलिए, जो भी हो, लेकिन नेपाल कतार संबंध मजबूत हुए हैं, ये आप कन्फर्म जान लीजिए। भले ही आपको छोटे समझौते दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, होता पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो पर्दे के पीछे का खेल क्या है ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये आएगा समझ में 2-3 महीने बाद। धन्यवाद।